नमस्ते दोस्तों, मैं हूं अजय शर्मा और आज की वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं कि किस प्रकार हम फोटोशॉप में वाटर ड्रॉप इफेक्ट या वाटर ड्रॉप को बना सकते हैं। तो आइए देखते हैं आज का वीडियो और सीखते हैं कुछ नया। तो दोस्तों, वाटर ड्रॉप इफेक्ट बनाने के लिए मैंने पहले से ही एक लीफ की इमेज निकाल रखी है। जिस लीफ की इमेज पर मैं वाटर ड्रॉप बनाऊंगा उसे जस्ट मैं फोटोशॉप में ओपन कर रखा है। अब आगे की प्रोसेस चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ये वह इमेज है जिस पर मैं वाटर ड्रॉप इफेक्ट बनाऊंगा। इसके लिए मैं सबसे पहले यहाँ से एक न्यू लेयर ले रहा हूँ। यहाँ पर न्यू लेयर लेने के बाद यहाँ से एक ओवल शेप में सिलेक्शन कर रहा हूँ। इस तरह से ओवल शेप में सिलेक्शन कर लेते हैं। अब दोस्तों, हम यहाँ पर आकर ग्रेडियंट टूल का सिलेक्ट करेंगे और जो नॉर्मली ग्रेडियंट होता है थर्ड नंबर पर ब्लैक एंड वाइट, इसका सिलेक्ट कर बस इस तरह से इसमें फिल कर देंगे। कंट्रोल डी से सिलेक्शन को हटा देंगे और यहाँ नॉर्मल की जगह ओवल ले कर देंगे कुछ इस तरह से। अब जो हमारी लेयर है जिस पे हमने ये सिलेक्शन बनाया है, इस पर जस्ट डबल क्लिक करेंगे। यहाँ पर लेयर स्टाइल की एक विंडो आपके सामने ओपन हो जाएगी। दोस्तों, इसमें इनर शेडो पर क्लिक करना है आपको और यहाँ पर ब्लेंड मोड में जाकर लाइनर बर्न करना है कुछ इस तरह से। अब दोस्तों, इसकी ओपेसिटी अभी काफ़ी ज़्यादा लग रही है, इसे हम अभी 40% कर देते हैं और इसके एंगल को -30 कर देता हूँ। इसे आप आपके हिसाब से जिस तरह ड्रॉप में देना है वो आप आपके हिसाब से भी सेट कर सकते हैं एंगल को। यूज़ ग्लोबल लाइट हटा रहा हूँ और जो इसकी डिस्टेंस है वो 2 कर रहा हूँ और साइज बाकी सारी चीज़ें जो सेट है बाय डिफॉल्ट वही है। अब ड्रॉप शेडो दे देता हूँ। यहाँ ड्रॉप शेडो पर जाकर जस्ट ओके करना है और वापस ब्लेंड मोड को लाइनर बर्न कर रहा हूँ। यहाँ पर भी ओपेसिटी को थोड़ा कम कर रहा हूँ दोस्तों, 30%। यूज ग्लोबल लाइट अनचेक कर रहा हूँ और इसके एंगल को थोड़ा सा इंक्रीज कर रहा हूँ 127। डिस्टेंस को बढ़ा देते हैं थोड़ी जिससे शेडो बाहर की तरफ दिखे 10%। और शेडो का साइज भी थोड़ा सा बढ़ा रहा हूँ इसमें मैं 14%। और जस्ट ओके पर क्लिक करूँगा। अब इस पर थोड़ी सी लाइट लाने के लिए, थोड़ा सा ग्लो लाने के लिए हम एक नई लेयर ले लेते हैं यहाँ पर इस तरह। और ब्रश को सिलेक्ट कर यहाँ से आप वाइट कलर को चूज कर सकते हैं और हम यहाँ कहीं पर एक छोटा सा ड्रॉप दे देंगे ग्लो का कुछ इस तरह से। अब इन दोनों लेयर को सिलेक्ट कर कंट्रोल जी से इसे एक ग्रुप में बना देंगे दोस्तों, जिससे हम इसे अगर कॉपी करना चाहते हैं तो आसानी से कॉपी आ सके। कंट्रोल अल्ट जैसे अब मैं इस लेयर की कॉपी कर रहा हूँ, वो कंट्रोल टी का यूज करके इसे छोटा बड़ा करके कहीं सेट करेंगे। अब दोस्तों, मैं इस ग्रुप को ओपन कर रहा हूँ और वापस इस लेयर को सिलेक्ट कर रहा हूँ जिसमें मैंने सिलेक्शन बनाया था। जस्ट हम लिक्विफाई पे क्लिक करेंगे जिससे हमारे सामने दिखेगा कि इस तरह का ये जो ड्रॉप हमको करना है वो थोड़ा डार्क दिखेगा। इसको मैं हल्का सा थोड़ा फैला रहा हूँ और जस्ट ओके पे क्लिक कर देंगे। तो
तो दोस्तों इस तरह हम सिंपल वे में किसी वाटर ड्रॉप को बेसिक तरह से बना सकते हैं जो काफ़ी एट्रेक्टिव दिखता है, और इसे हम कई जगहों पर बैनर वगैरह में यूज़ भी कर सकते हैं।